आसनसोल नगर निगम के 5 मेयर परिषद सदस्यों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय ने इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की। ज्ञात हो कि आसनसोल नगर निगम के मेयर पद के शपथ लेने के लगभग 4 महीने के बाद मेयर परिषद का गठन हुआ था। मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय ने 5 MMIC के विभागों की घोषणा की। बता दें कि बीते 16 जून को मेयर परिषद सदस्यों ने शपथ ली थी। वहीं अभी भी 2 डिप्टी मेयर का मामला अधर में लटका हुआ है, यानी अब तक अपने पद के लिए घोषित उपमेयर अभिजीत घटक और वसीम उलहक ने शपथ नहीं ली है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर मेयर के पार्षद बनने के चुनाव को लेकर भी है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि मेयर कब और किस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी को शिक्षा, मानस दास को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देवेंदु भगत को स्वास्थ्य, गुरुदास चटर्जी को स्पोर्ट्स एंड कल्चर एवं इंद्रानी मिश्रा को LULM का विभाग मिला है, लेकिन निगम के जल एवं अल्पसंख्यक विभाग के MMIC का विभाग खाली पड़ा हुआ है। नगर निगम ने अब तक 5 मेयर परिषद सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की है। नगर निगम को अब तक 5 मेयर परिषद सदस्य ही मिले हैं और उनके विभागों की भी आज आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है। अब देखना यह है कि अन्य विभागों के लिए MMIC के नामों की घोषणा की जाती है या नहीं। इसके अलावा 10 बोरो चेयरमैन का भी इंतजार आसनसोल के वासियों को है। दीपेंदु भगत ওকে দেওয়া হয়েছে হেলথ, স্বাস্থ্য। আচ্ছা, সুব্রত অধিকারী রানা, ওকে দেওয়া হয়েছে স্কুল শিক্ষা মনে হয়। আমাদের মানস দাস স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট আছে। আমাদের শ্রাবণী, সরি, ইন্দ্রাণী মিশ্র আছে NULM, যেটা গোষ্ঠীর। আর গুরুদাস চ্যাটার্জি আছে ক্রীড়া আর খেলা দপ্তর। अब बात करते हैं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के पार्षद निर्वाचन के लिए उपचुनाव पर। उपचुनाव की तारीख तय हो गई है, आगामी 21 अगस्त को चुनाव होंगे। बहुत जल्द ही इसकी अधिसूचना भी राज्य सरकार जारी कर देगी। नगर निगम के वार्ड संख्या 6 से उपचुनाव होगा। यहां से पार्षद निर्वाचित हुए संजय बैनर्जी के इस्तीफे के बाद वहां उपचुनाव हो रहा है। इस वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 6,284 वोट प्राप्त कर संजय बैनर्जी पार्षद निर्वाचित हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये सीट खाली हो गई। इस वार्ड से अब तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मेयर विधान उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। राज्य सरकार जल्द ही उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करेगी। गौरतलब है कि 25 फरवरी 2022 को बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने मेयर के पद की शपथ ली थी। नियम के अनुसार उन्हें 6 माह के अंदर पार्षद निर्वाचित होना है, यानी कि 25 अगस्त से पहले उन्हें पार्षद बनना होगा, अन्यथा संवैधानिक संकट की स्थिति बन जाएगी, जिसके बाद काफी गोपनीय तरीके से ये तय किया गया। पार्षद के इस्तीफे के बाद राज्य चुनाव आयोग ने 21 अगस्त को चुनाव कराने का फैसला लेकर 19 जुलाई को नगर विकास विभाग को सूचित किया। इस पर आज नगर विकास विभाग ने भी सहमति दे दी। 21 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव होंगे। यार एक बात पूछो। हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन वेलकम टू द पेपरी। यू कैन आल्सो ऑर्डर फ्रॉम Zomato एंड Swiggy एट होम। दी पेपरी, ग्राउंड फ्लोर ऑफ सेंट्रल मॉल, ऑपोजिट बिग बाजार, आसनसोल।